नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, लियाकत नवाज़ मलिक आज का तबसरा में एक नए मेहमान और नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत है। आज हमारे साथ डॉक्टर असद नसीर मेहमान होंगे। डॉक्टर असद नसीर पाकिस्तान की सियासत के मुतालिक एक गहरी नज़र रखते हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ, हमारे साथ रहिएगा, शुक्रिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। डॉक्टर साहब बहुत खुशी हुई आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। जी बहुत शुक्रिया, हमें फिर मौका दिया कि फिर आपसे सियासत पे बात करें। मलिक साहब मेरे लिए भी बड़ा ऑनर है कि आता हूँ और आपके साथ अपने ख्यालात, आपकी बातें सुनता हूँ, अपनी सुनाता हूँ। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये आजकल शाम में जी जो कुछ हो रहा है, क्या ये कोई, जो मैं देख रहा हूँ, क्या मुस्लिम दुनिया में क्या दो ब्लॉक बनने जा रहे हैं? मलिक साहब पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि मुस्लिम दुनिया में हमेशा से दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक रहे हैं। आज तक मुझे नहीं याद कि पिछले कुछ कम अज़ कम 100 साल से तो कभी भी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी रही हो। इनमें हमेशा डिवीज़न रही है, ब्लॉक इनमें हमेशा मौजूद रहे हैं। बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को चाहे नज़रियाती बुनियाद पे, चाहे मुआशी बुनियाद पे, चाहे रिलीजन की जो सब डिवीज़न हैं उसकी बुनियाद पे कुछ ना कुछ मसले रहे हैं। तो ये जो अब सीरिया में जो अब रिसेंट जो एक समझें कि एक जो अभी नई जो उसमें काम हुआ है वो ये हुआ है, जैसे कि अभी आपने देखा कि वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल और उसके बाद फिर अमेरिका का रिएक्शन और उसके बाद रिटेलिएशन और सारा। मैं समझता हूँ कि इसमें दो चीज़ें तो बड़ी वाज़े हैं, क्योंकि बशार अल असद ने तो अभी तक एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो उसने कोई केमिकल वेपन यूज़ किए हैं। जी जी, उसने उसका कहना है कि हमारी फ़ौज ने इस किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। मगर ज़ाहिर बात है कि बच्चे तो उधर लोगों पे तो इंजर हुए हैं, लोगों को तो मसला है वो तो। लेकिन किसने किया है? हाँ, अब मसला ये है कि अगर ये केमिकल वेपन जो कि उधर यूज़ डेफिनेटली हुए हैं, अगर वो बशार अल असद की रिजीम ने नहीं किए तो फिर किसने किए? बशार अल असद की रिजीम के बाद वह दो रिजीम्स और भी काम कर रही हैं, एक है रशियंस, एक है US अमेरिकन्स। रशियन भी बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि हमने नहीं की और शायद ना भी किए हों, तो क्या फिर अमेरिकन ने किए हैं? अगरचे इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है और ना ही मेरा दिल मानता है इस बात को कि इतना ज़्यादा कोई भी नहीं जा सकता आगे, मगर एनी भी अगर तो ये बशार अल असद ने ही किए हैं तो फिर तो 100% उसको कंडेम करना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये पहले इराक में भी ये हो चुका है और ये मलिक साहब इराक में बिल्कुल हुआ, मगर इराक में वो केमिकल अली और वो सारा चक्कर चला। मगर इराक में देखें, अमेरिका ने जब कहा था कि इराक के पास केमिकल वेपन है जी, और उसके बाद उधर से एक जरा सी भी चीज नहीं। यही बात मैं करना चाह रहा था आपसे कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो जिसकी वजह से ये गए थे, अमेरिकन गए थे या दुनिया के कुछ ममालिक गए थे और वहां से निकला कुछ नहीं। जी जी, कुछ नहीं निकला। तो क्या ये एक नया सिलसिला शुरू किया है? जाहिर तो लगता है कि तारीख हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। मगर मलिक साहब एक इसमें और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमेरिकन के भी अपने इसमें जो अमेरिकन पब्लिक है, अवाम जो है US की, उनकी भी अपनी रिजर्वेशन है इस सिलसिले में। क्योंकि मैं सुन रहा था एक TV पे, तो बेसिकली देखें जब ट्रंप आया था ना, तो ट्रंप का क्या नारा था, इसका स्लोगन जो इलेक्शन में भी इसने लगाया और अभी तक करता रहा, उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन ये था कि आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ US, मैं आई एम नॉट द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड। अमेरिका ने दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ, तो इसलिए हम क्यों कहीं पंगे लें। ये इसके इलेक्शन से पहले इसकी कंपेन का बहुत बड़ा एक इसका ही हिस्सा था कि अमेरिका ने दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ, हम क्यों कहीं दूसरों के पंगों में पड़े और उनके अपने वसाइल उन लोगों पर खर्च करें। मगर अभी रिसेंटली आपने देखा कि इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया गया कि अब वो शाम पे, अब सीरिया पे जो है वो एक रिटेलिएशन और एक वो सारा। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, ये चले अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो कुछ किया, ये हमारे ममालिक जो हैं, खसूसन जो हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे पाकिस्तान के वजारत खारजा से या किसी हुकूमत के किसी अहलकार से
इस मसले पे कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। साहब ना पाकिस्तान से कोई जी जी बयान आया है और ना ही पूरी इस्लामी दुनिया से कोई आया है। जी जी मेरे इलम में नहीं है, शायद किसी मुल्क ने कोई थोड़ा सी अपने प्रोटेस्ट किया हो, मगर मुझे नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बदकिस्मतियाँ मलिक साहब हमारी कि हम इस्लामी उम्मा जो है वो उस वक्त रिएक्ट करती है जब सब कुछ हो चुका होता है, और शायद उनको पता है कि हमारे रिएक्शन का और हमारे रिस्पांस का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना। तो पाकिस्तान को तो खैर मलिक साहब मैं समझता हूँ पाकिस्तान को, अगरचे पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद एटॉमिक पावर है, पर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान की फौज, मेरा ख्याल है कि इस्लामी जितने इस्लामिक कंट्री हैं तो सबसे पावरफुल आर्मी पाकिस्तान के पास है, प्रोफेशनल आर्मी पाकिस्तान के पास है, रिसोर्सेज शायद इतने पाकिस्तान के पास नहीं होंगे जितने दूसरे इस्लामी मुल्कों के पास हैं, मगर टेक्नोलॉजी बहरहाल पाकिस्तान के पास बहुत बेहतर है। जी जी स्पेशली मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी होती है, मगर इन सब चीज़ों के बावजूद मलिक साहब हम गुलाम हैं, हम अभी तक गुलाम हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी हमने छोड़ दी, अंग्रेज़ मेरा ख्याल है जिन लोगों के अब हम गुलाम हैं ना, अपने ये जो सो कॉल्ड हमारे सियासी लीडर हैं या सियासी पॉलिटिकल रिजीम जो हमारी जिस जो ख़ानदान तौर पर हम पे अपना हक समझते हैं मुसल्लत हुई है। जी जी उनके जो उनकी गुलामी जो है वो अंग्रेज़ों की गुलामी इनकी गुलामी से शायद बेहतर थी। जी 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 मलिक साहब अंग्रेज़ों ने भी हम पे हुकूमत की, अंग्रेज़ों ने हमारे लिए डेवलपमेंट के काम किए उधर, ठीक है ना। वो ठीक है एक साहब उनका कि वो बाहर से आए हुए थे तो उनके हम कंकररी कहेंगे, दायरी बात है कि उनको हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई वहाँ के जमहूरी लीडर थे, मगर एनीवे हमारे जमहूरी लीडरों ने भी हमें बहुत मायूस किया, उन्होंने हमें किसी भी तरह की, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद है तो ये मलिक साहब मेरी और आपकी खाम वो डॉक्टर साहब ये उनके मुतलिक तो हम बाद में बात करेंगे, अभी सीरिया पर हम जो है फोकस रखा है। तो आप ये बताएँ कि जो 29 मुल्कों की जो फौज तैयार की है और हमारे जनरल राहिल शरीफ साहब उनके हेड बनने जा रहे हैं तो इस फौज को बनाने की वजह क्या है? क्या ये यूएनओ की जो जो अमन फौज है उसको रिप्लेस करेगी मुस्लिम में? मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो नई फौज बनने जा रही है जिसके राहिल शरीफ हेड ऑफ़ दी चीफ ऑफ द स्टाफ होंगे, ये सिर्फ एक ये बेसिकली सिर्फ सऊदी अरब की फ़ौज है, इसमें हैं और ज़ाहिर बात है 29 मुल्क जो भी हैं, मगर बेसिकली ये सऊदी अरब के जो समझें कि उनके जो स्टेक्स हैं उनको देखेगी, और ख़ास तौर पर इसका काम होगा सऊदी अरब की सरहदों की हिफाजत करना, यमन के साथ जो चक्कर चल रहा है जो भी उसके काउंटर। सऊदी अरब को किससे खतरा है? मलिक साहब सऊदी अरब को दो मुल्कों से बहुत खतरा है, दो, एक तो ईरान से मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा है और दूसरा यमन से। यमन में भी जो लोग, आपको पता है यमन से कभी कोई मिसाइल अटैक भी हो जाते हैं और वहाँ से वैसे भी वो लोग भेजते रहते हैं इधर, तो ये जो नई फौज है इसको मैं सिर्फ सऊदी अरब की फ़ौज कहता हूँ, ये 29 मुल्कों की फ़ौज नहीं है, यानी कि नाम के हिसाब से तो है, और इस पर सारा जो पैसा भी लगा रहा है वो सऊदी अरब ही लगा रहा है, और वो सऊदी अरब क्योंकि अब उसे पता है शायद कि दुनिया में अवेयरनेस आती जा रही है तो डिफेंस टेक्नोलॉजी तो सऊदी अरब के पास मेरा ख्याल है बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो उसको डेफिनेटली ज़रूरत है पाकिस्तान की या किसी ज़ाहिर बात है अमेरिका से तो शुरू से ही नहीं। पाकिस्तान देखें डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के जो फौज थी वो डेपोटेशन पे तो जाती थी, वहाँ पे लोग जाते थे काम करते थे जो, और सऊदी अरब की जो फौज के लोग हैं वो पाकिस्तान में आके ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये 29 मुल्कों की जो फौज है ये बनाने क्या? मलिक साहब ये 29, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 29 मुल्कों की फौज का हेड ऑफिस भी मेरा ख्याल है कि जद्दा में होगा शायद, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, और इसमें जो इसके जो मेन काम होगा वो सऊदी अरब की सरहदों की हिफाजत होगी। लेकिन ये जो जनरल राहिद शरीफ को वहाँ पर हेड बनाया, क्या ये वो उस डील का हिस्सा तो नहीं है कि जो इमरान खान ने एक धरना दिया था? मलिक साहब चक्कर यह है कि जब मुझे राहिल शरीफ ने एक बयान दिया था कुछ अर्सा पहले कि मैं इस फौज का हेड तब बनूंगा
अगर ईरान जो है वो भी अब इसमें इसका हिस्सा हो, मगर अब जो मेरी मालूमात हैं, जो जो अब इंफॉर्मेशन आ रही हैं उसके तहत ईरान की बड़ी रिजर्वेशन है इस मामले में। तो ईरान, लेकिन उन्होंने, जनरल साहब ने ये कहा था कि मैं रिटायर होने के बाद जो शहीद हो चुके हैं फौजी उनके बच्चों की निगहदाश्त के लिए कोई काम करूंगा पाकिस्तान में रहकर, ये जनरल साहब ने, लेकिन अचानक ही ये शुरू हुआ। मलिक साहब, आई एम वेरी सॉरी टू से कि हर बंदा अपने बच्चों की निगहदाश्त का पहले सोचता है, चाहे वो कम अज़ कम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, तो मैंने यही देखा। डॉक्टर साहब, अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे। जी ज़रूर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बातचीत को यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद डॉक्टर असद नसीर से दोबारा बातचीत शुरू करेंगे। शुक्रिया।